आज का हमारा प्लान है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से चंबा। गदर मूवी की शूटिंग हुई थी, उसके फोटोज भी लगा रखे हैं यहाँ पे। इनको बताना, कोई बोले ना कि चलो स्कूल छोड़ देते हैं तो मना करना, बोले नहीं बैठना हमें, समझे। तो चंबा से भरमौर का रास्ता भी आपको ये सोचने पे बीच बीच में मजबूर कर देगा कि देखो। और ये यहाँ बंदे से पूछने पे पता चला, ये जो गांव है ये सरदारों का गांव है, यहाँ सारे सरदार हैं। और यहाँ ये देखिए हमारा गार्ड नाइट में पूरी रात हमारे टेंट के पास बैठा रहा, जो भी कुत्ते आ रहे हैं उनको भगा दे रहा है इधर उधर। इसको हमने थोड़ा सा खाना खिला दिया, पूरी रात यहीं बैठा रहा ये। शाबाश गार्ड, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर रात को हम रुके थे, ये हमारा 5-स्टार नाइट स्टे पॉइंट था। और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो कितना शानदार है, ये है जोत टॉप। अभी हम यहाँ से इतना पूरा चढ़ाई ये करके कवर करके आए, इधर से पूरा चढ़ के आए थे रोड से, और अब जाएंगे यहाँ से नीचे चंबा साइड में। यहाँ से बिल्कुल 20-25 किलोमीटर उतराई है। तो आज का हमारा प्लान है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से चंबा, और चंबा से निकलेंगे सीधा भरमौर के आगे, फिर जाकर ट्रैक करेंगे शुरू मणि महेश का। देखते हैं आज ट्रैक शुरू हो पाता है या नहीं। वैसे तो हमारा प्लान डायरेक्ट चंबा में लैंड करने का था, डायरेक्ट चंबा जाने का था और वहीं पे नाइट स्टे करने का था, पर रात को यहीं पे जोत में 10-11 बज गए और ये जगह भी अच्छी थी तो यहीं पे हमने कैंपिंग कर ली, यहीं पे हमने टेंट लगा लिया अपना। और बढ़िया पॉइंट है ये नाइट कैंपिंग के लिए, तो सुपर जगह है। और ये देखिए आप नज़ारे यहाँ के, ज़बरदस्त झन्नाटेदार। जल्दी जल्दी यहाँ से फ्रेश अप होके चाय पराठा खा के निकलते हैं चंबा के लिए। कुकिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इस बार सामान तो हमारे पास है, पर लंगर रास्ते में इतने मिलेंगे क्योंकि नूरपुर से आगे मणि महेश जाते टाइम आपको रास्ते में इतने लंगर मिल जाएंगे कि आपको कहीं और खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस टाइम मणि महेश की यात्रा शुरू हो गई है और रास्ते में बहुत सारे लंगर लगे रहते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, हमने डिनर जो था नूरपुर के आसपास लंगर में किया था, तो हमें कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लंगर हमें रास्ते में मिलते रहेंगे। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, परांठा, राजमा, दही अभी आ रहा है और चाय भी ऑर्डर कर दिया। कैसा टेस्ट भाई? बहुत बढ़िया, टॉप क्लास, हिल टॉप में टॉप क्लास टेस्ट, मजा आ गया। ये देखा अभी, ये देखो अभी हम इस रेस्टोरेंट में हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ये देखिए जब बर्फ़ पड़ी थी उस टाइम के यहाँ फोटोज लगा रखे हैं इन्होंने, और इधर गदर मूवी की शूटिंग हुई थी उसके फोटोज़ भी लगा रखे हैं यहाँ पे। ये 2000 के आसपास हुई थी शूटिंग, ये देखिए, ये सनी देओल। तो अभी जहाँ हमने टेंट लगा रखा था वहीं उसके आसपास ही गदर मूवी की शूटिंग हुई है। दोस्तों जोत टॉप से 2-3 ट्रैक भी जाते हैं, एक डायनाकुंड के लिए और एक काला टॉप के लिए, जैसे कि बोर्ड में देख सकते हो। और यहीं पे ऊपर हमने अपना टेंट लगाया था और बाद में हमें पता चला कि जहां हमने टेंट लगाया था उसी के आसपास गदर मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ब्रेकफास्ट फिर ख़त्म करके हम निकल पड़े चंबा के लिए। अभी यहां से 20-25 किलोमीटर सीधी उतराई उतर के जाना है हमें नीचे। जोत से नीचे चंबा उतरते वक्त रास्ते में एक छोटा सा ये हमें झरना दिखा, जहां हमने अपनी गंदी हो रखी गाड़ी को भी धो लिया। पानी यहां का बहुत ही ठंडा था। वाह क्या शानदार गांव है सामने, ये है नज़ारे पहाड़ों के। तो गाड़ी धोने के बाद अभी निकल गए, अभी चंबा रह गया हमारा लगभग लगभग 10-15 किलोमीटर रह गया शायद यहाँ से। हेलो बच्चों, कौन सी स्कूल क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th। 5th? तो ये भाग क्यों गए बच्चे ऊपर को, हैं? ये कौन सा गांव है सामने ऊपर? डुगली। ओके बाय बाय। कोई गाड़ी में बिठाए भी ना लिफ्ट देना, तो जाना नहीं है, मना करना है, ठीक है? ले रखो, पैदल जाना है, पैदल आना है। इनको बताना, कोई बोले ना कि चलो स्कूल छोड़ देते हैं तो मना करना है, बोला नहीं बैठना हमने, समझे। भागते हुए जाया करो, गाड़ी का नंबर नोट किया करो, और बाहर से गाड़ी आती है उसमें बैठना नहीं है। गुड 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 गुड। पंजाब नंबर, CH नंबर, तीसरे वाला रह गया पीछे, HP नंबर वाली में भी नहीं बैठना। कौन सा हाउस है ये व्हाइट वाला? स्वर्ग पालिका कालिका, आराम से मत दौड़ो मत।
आराम से आओ, आराम से बहुत टाइम है। वो देखिए फाइनली वो आ गया है चंबा शहर। क्या जबरदस्त लग रहा है यार यहाँ से। ये देखिए सामने चंबा शहर दिख रहा है, क्या जबरदस्त लग रहा है इन पहाड़ियों के बीच। सुपर व्यू यार, जबरदस्त, दिल खुश हो गया। अभी यहाँ से आगे निकलेंगे हम भरमौर के लिए सीधा। पता नहीं ये तो इस साइड से जाता है शायद रोड, नीचे जाके पता चलेगा कहाँ से जाता है भरमौर के लिए। तो ये पहुँच चुके हैं हम रावी नदी के किनारे और घुस चुके हैं चंबा शहर में। अब यहाँ से भरमौर के लिए रास्ता पकड़ेंगे और सीधा भरमौर के लिए निकल जाएंगे। चंबा में आपका स्वागत है, मुस्कुराइए, आप चंबा में हैं। ये पहुंच गए हम भरमौर चौक और यहाँ से लेंगे हम राइट साइड टुवर्ड्स भरमौर और करेंगे अपनी जर्नी यहाँ से शुरू मणि महेश के लिए। मैंने फूल भी लगा लिए अब तो टोपी पे, मस्त लग रहे हैं। क्यों भाई, बढ़िया लग रहे हैं ना। बस अब एक काम रह गया, अभी अच्छी सी जगह देख के, कोई कुंड सा देख के, डूंगा नालू सा देख के नहाएंगे। नदी तो आएगी रास्ते में, आएगी ना नदी, साथ साथ में चलेंगे। बढ़िया सी जगह देख के नहाना एक रह गया, बाकी सब काम हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। अभी करेंगे, रास्ते में कहीं लंगर लगा होगा तो वहाँ पे लंगर छकेंगे, रास्ते में मतलब लंच करेंगे, बाकी सब कुछ हो गया। ये देखिए भरमौर के रास्ते में अभी आपको मणि महेश की जर्नी में लंगर ही लंगर मिलेंगे, जगह जगह लंगर मिलेंगे। हम भी कहीं एक जगह रोक के लंगर करेंगे, मतलब लंच करेंगे, जब लंच का टाइम होगा तब हम लंगर करेंगे। तो लंगर बहुत मिलेंगे आपको अभी इस जर्नी में। ये देखिए लंगर ही लंगर, लंगर ही लंगर, हर हर महादेव। और ये चपाती छोले भटूरे का लंगर चल रहा था पीछे। ये सामने अजमेरा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसीलिए वो बोर्ड लगा था वहाँ पे कि रिवर में जाना अलाउड नहीं है। ये है वो प्रोजेक्ट, चमेरा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से कभी भी पानी छोड़ सकते हैं, रिवर में छोड़ भी देते हैं, तो इसीलिए रिवर में ना जाएं, रिवर में ना नहाएं। अब आ रही है भाई साहब थोड़ी सी कुल्लू मनाली वाली वाइब इस रोड पे। ये चंबा से भरमौर का रास्ता भी आपको ये सोचने पे बीच बीच में मजबूर कर देगा कि देखो ऐसी ऐसी जगहों पे गांव बसे हुए हैं। जैसे ये गांव देखो, ऊपर पहाड़ी, नीचे नदी और बीच में गांव हैं। तो आप ये सोचने मजबूर हो जाओगे कि ये मतलब कनेक्टिविटी कैसे है इनकी। तो ऐसे बीच बीच में देखो ये ब्रिज बने हुए हैं पतले से, यही इनकी लाइफ लाइन है। अगर ये कट गया तो इनका कनेक्टिविटी बिल्कुल कट है। और देखो वहाँ पे ऊपर, वहाँ भी एक दो घर हैं, कुछ गाँव हैं, वो देखिए ऊपर वहाँ पे। और सबसे टॉप पे देखो वहाँ पे भी गाँव है। तो अभी रिवर साइड यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, यहाँ पे झरना वगैरह, थोड़ा वाटरफॉल है और पाइप वगैरह लगा रखी है। यहाँ नहाने का प्रोग्राम बनाया, अभी नहा कर इसके बाद ही यहाँ से चलेंगे आगे। चंबा से भरमौर का रोड तो टफ है, मतलब 5-10 किलोमीटर तो ठीक है चंबा से भरमौर के रास्ता, उसके बाद तो रास्ता मतलब टूटा फूटा कटा फटा रास्ता, बहुत टाइम लगता है और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम मणि महेश के लिए। बहुत से लोग जा रहे हैं इस यात्रा में, तो ट्रैफिक भी है। देखो आप देख सकते हो सिंगल रोड है और ट्रैफिक मतलब ठीक ठाक ट्रैफिक है। हम बहुत देर से ऐसा ही कुछ जुगाड़ ढूंढ रहे थे नहाने के लिए, आखिरकार हमें मिल ही गया। और ये देखिए भाई साहब का देसी जुगाड़, ये पाइप लगा रखी है यहीं कहीं ऊपर से कहीं से, और पूरा प्रेशर से पानी आ रहा है। और कितना प्रेशर है देखो पानी में, यहीं नहा लेंगे अभी हम। तो अभी हम शानदार नहा धो के देखो कपड़े भी चेंज कर लिए, गाड़ी भी हमने अपनी धो ली, और अभी हम ये पुल जो है यहाँ पे हल्का फुल्का फोटो सेशन करने जा रहे हैं। तो पुल देखने में बड़ा मस्त लग रहा है, ये वही पुल है जो मैंने दिखाया था आपको, जो ये सामने वाले गांव को जोड़ता है ना, यही वाला पुल है। तो अभी एक दो यहाँ फ़ोटो खींच के फिर चलेंगे आगे। और ये यहाँ बंदे से पूछने पे पता चला ये जो गांव है ये सरदारों का गांव है, यहाँ सारे सरदार हैं और यहाँ गुरुद्वारा भी है एक बीच में, तो सिंधवा नाम है इस गाँव का, सिंधवा।
हैं।